कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बोला हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्तवृंद सभी को चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, हम लोग श्रवण करेंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को। अलग अलग भक्तों ने अलग अलग समय पर उन्होंने अलग अलग प्रश्न किया है तो उन्होंने उसका उत्तर दिया। आज हम जो सुनेंगे ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इसलिए प्रभुपाद को किसी ने पूछा है कि जगत में हमारे बहुत कुछ कर्तव्य है, जैसे पिता माता की सेवा भी करना कर्तव्य है, संसार भी देखना हमारा कर्तव्य है, घर गृहस्थ भी करना हमारे कर्तव्य है, नौकरी करना भी हमारा कर्तव्य है, पढ़ाई करना भी हमारा कर्तव्य है। जगत में हमारी बहुत सारी कर्तव्य जगत में है। लेकिन प्रभुपाद किसी ने पूछा, लेकिन इन सारे सारे कर्तव्य में जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? जगत में सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? किसने प्रभुपाद को ये प्रश्न किया? आई प्रभुपाद क्या उत्तर देते हैं इसको हम सुनेंगे। क्योंकि प्रभुपाद कहाँ से आए? गोलोक वृंदावन से। राधा रानी अपना नयन मणि मंजरी को भेजा, जगत को जाओ जीवों को कल्याण करो, उनको अपना घर में वापस ले आओ, मेरे को भूल करके संसार में ये सब दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। राधा रानी कौन है? एक तरह से जगत का माँ है। जैसे माँ कभी बच्चों को दुख देख नहीं सकते, भले ही खुद सही रहे, अगर बच्चे अगर दुखी हो ना माँ दुखी रहती है। अगर बच्चों को देखे हमारे सही सलामत बच्चे हैं, माँ भी सुखी रहती, मेरे बच्चे कम से कम सुखी है, एक सही भी नहीं। इसलिए हम उनके बच्चे हैं, अगर संसार में हम दुख कष्ट भोग करें, इसलिए राधा रानी कभी खुश नहीं रह सकती। इसलिए उन्होंने किसको भेज दिया? प्रभुपाद को भेज दिया है। कहते प्रभुपाद कौन है? राधा रानी की कृपा, राधा रानी की कृपा ही ये प्रभुपाद बन करके आए। देखो ये उत्तर क्या देते हैं। कहते यही मनुष्य जन्म क्षण भंगुर ओ अतीव दुर्लभ। कहते ये जो मन जो मानव शरीर है ये बड़े कष्ट से ये जीवन मिला है, क्योंकि 84 लाख जोनी के बाद में एक बार मिलता है। इसलिए भगवान देत ईस बिनु हेतु स्नेही, मतलब भगवान ने स्नेह करके कैसे हमें दे दिया। लेकिन हम कोई अगर सोचे हमने बहुत अच्छा कर्म किया होगा ना, तब तो ठाकुर दिया। बोले कोई अच्छा कर्म तुमने नहीं किया है, कोई अच्छा कर्म तुमने नहीं किया जो कि तुमको मानव शरीर दिया है। बोले देत ईस बिनो हेतु स्नेही, भगवान स्नेह करके बिना कारण से कैसे तुमको दे दिया, ये कोई अच्छे कर्म से नहीं मिल गया है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं रज भी समसंख्याता पार्थिव अजंतव। जैसे धूल कणा को नहीं गिन सकते हो, जीव को भी संसार में नहीं गिन सकते। इतने जीव, एक शरीर सड़ जाए देखना, कितने कीड़े पड़ जाते हैं। एक ग्लास पानी के अंदर में कितने बैक्टीरिया, करोड़ों करोड़ों जीव, ये पृथ्वी में भी इतना जीव नहीं। उसी हिसाब से देखो संसार में इंसान का जीवन कितना है, कितना इंसान का जीवन बहुत कम है। भगवान कैसे हमें बाई चांस जीवन दे दिया। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं है तो दुर्लभ, लेकिन हर समय के लिए हम रह नहीं सकते हैं, क्षण भंगुर है। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी रखो ना, किसी समय भी वो गिर सकता है। जैसे पानी का बुलबुला है, वो जीवन भी ठीक वैसे कब खत्म हो जाएगा? कोरोना में कितना लोग चले गए बताओ? कौन सोचा था कोरोना में हमें जाने वाले, कितने लोग कोरोना में चले गए। इसलिए प्रभुपाद कहते काजे ही पाषंडता अपराध व वृथा कार्य समय नष्ट ना करे, सकल रे सब छेड़े हरि भजन ही मन देवा उचित। इसलिए यहाँ पर कहते इसलिए क्या करनी चाहिए? सारे पाखंडता को परित्याग करके, सारे दुष्ट बुद्धियों को परित्याग करके,
कहते अपराध वा वृथा कार्य समय नष्ट ना करे, बोले बिना कारण के समय को नष्ट नहीं करके हैं क्या करो, बोले सकल रे सब छड़े हरि भजन ही मन दया उचित। बोले जगत में जितने जीव है उनको क्या करनी चाहिए, सबको जो छोड़ करके हरि का भजन करना कर्तव्य। इसलिए भगवान गीता में कहते ना, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज हे अर्जुन, तो सबको जो छोड़ करके मेरे शरण में आ जा। लेकिन हम सोचते हैं हम चले जाते बाप को कौन देखेगा, माँ को कौन देखेगा, हैं हमारे परिवार को कौन देखेगा। अभी कितने लोग मर गए, मैं जिस दिन इधर आया ना, जिस दिन तीन व्यक्ति का मैंने अस्थि विसर्जन करके यमुना में आया, एक व्यक्ति ने कहा था हमारे 40 लाख रुपया हमने लगा दिया करुणा में, लेकिन बचा नहीं पाया। एक ने बोला मैंने 25 लाख रुपया लगाया, एक ने बोला मैंने 7 लाख रुपया लगाया, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाया। चलिए तो चले गए, अभी क्या वो चल नहीं रहे, उनका परिवार नहीं चल रहे, बढ़िया से चल रहा। आप एक सच घटना बताता हूँ, मैं जो यूरोप जाता हूँ ना, यूरोप में जाता हूँ, जिनके घर में हम रुकते हैं, हैं वो हर हर इसमें आते हैं, वो लोग हर परिक्रमा में आते हैं, शशिकला दीदी, राग रास प्रिया दीदी हैं वहाँ पर, विजय प्रभु, उनको पिताजी बहुत कम उम्र में चले, उस समय बच्चे सब छोटे थे, उनको थे 4 बेटियाँ हैं और 2 बेटे हैं, उनके कम उम्र में पिताजी चले गए। चले गए तो उनको माता जी ने बहुत कष्ट करके बच्चों को उन्होंने पाला, अच्छे तरह के उनको बच्चों को पाला उन्होंने पाल करके, लेकिन उनका बच्चे सब भजन करते, सब भक्ति करते, उनका जो परिवार लोग थे ना उनको खिली उड़ाया करते थे, बोले क्या सब हरि नाम में पीछे लगे हुए, अरे बच्चों की ये बनाओ, बच्चों की ये बनाओ, तुम क्या दिन भर इसे माला लेकर के बच्चों को खुद भी भजन करते हो, बच्चों को भी सब भजन में लगाते हो, हैं सबको हरि भक्ति में लगाते हो, सब क्यों जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों उनका जीवन को नष्ट कर रहे हो, उनको ये सब कहा करते थे। लेकिन हम जो इस बार गए थे तब वो बोल रहे थे, बोले हमारा परिवार हमें इतने उल्टा पुल्टा बोलता था, अब सोच नहीं सकते। लेकिन अब सबसे अगर कोई होनहार बच्चे हैं, हमारे बच्चे बड़े बड़े पोस्ट में काम कर रहे हैं, मेरे बच्चे बड़े बड़े करते हैं, और उनको कि गाड़ी दिया है, गाड़ी समझो 50 लाख रुपया की सरकार तरफ से गाड़ी दिया, उसको हैंडल पकड़ने का जरूरत नहीं, वो अपने आप चलता है, हमको गाड़ी में वो ले जाते हैं, वो अपने आप चलता है, हैं वो गाड़ी चलता है, और उनके बच्चे बहुत अच्छे अच्छे काम में सब लगे हुए हैं। और जो लोग कह रहे तो क्या बच्चों को सब भजन में लगा दिया है, बच्चों क्या पहले उनका सारे बच्चे शराब की खराब की जुआ सब बन करके सब इधर उधर भटक रहे हैं, और मेरे बच्चे सबके सब बढ़िया, बच्चे सब बढ़िया काम में लग रहा है। इसलिए जब कोई भगवान की शरण में आते हैं ना, ठाकुर की भक्ति में आए हैं, भक्ति में आए, भजन में आए, सारे काम भगवान करते हैं। लेकिन हम कभी कभी सोचते हम नहीं रहेंगे तो होगा क्या, हम करने वाला हम है ना, हम नहीं रहेंगे तो करेंगे भैया, नहीं भगवान खुद कहते हैं जब मेरे शरण में कोई आता है ना उसका पीछे का काम मैं स्वयं देखता हूँ, क्यों वो तो सब छोड़ कर मेरे भजन में आया, उसको काम कौन करेगा, मेरे को करना पड़ता है, ये विश्वास होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सकल रे सब छड़े हरि भजन ही मन देवा उचित, सब छोड़ करके कितना श्रुति सिद्धांत, यह उरुगारी भजिए राम सब काज विसारी, भले भजिए राम सब काज विसारी, सब काज को छोड़ कर क्या करो, हरि की भजन करो, क्यों ये जीवन बारंबार नहीं मिलने वाले, ये तो बड़े भाग्य से कैसे मिला है, हैं अगर ऐसे ही ये जीवन बीत गया भगवान तुमको ये मानव शरीर और देने वाले नहीं नहीं मिलेगा, और दूसरा काम तो हो जाएगा और सारे काम हो जाएगा लेकिन भजन नहीं हो सकता। इसलिए प्रभुपाद कहते सब छोड़ करके प्रभु की भजन में लग जाओ, वो सारे समस्या का जड़ है क्या, जितने समस्या आ रही इसका जड़ क्या, भजन नहीं किया। कृष्ण बोले सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तार दे संसार दुख, जितने दुख का कारण है कृष्ण की भक्ति छोड़ दिया, कृष्ण की भजन छोड़ इसलिए सारे दुख है, सारे दुख का जड़ है, हैं कोई कहते ना हमारी ये कर्तव्य ये कर्तव्य, गुरुदेव एक दिन स्वयं कह रहे थे, बोले महाप्रभु जब संन्यास लिए उस समय में क्या स्थिति था, पहले उनका बड़ा भाई विश्वरूप संन्यास लेकर चला गया था, उसके बाद में जगन्नाथ मिश्र महाप्रभु पिताजी भी उनको भी भगवत धाम वास हो गया, वो भी चले गए, घर में पत्नी 17-18 साल की विष्णु प्रिया है, एक बूढ़ी माँ, घर में और कोई नहीं,
संसार देखने वाले, पहले तो माताएं बाहर से नहीं निकलती थी, नहीं निकलती थी। उसी समय में महाप्रभु संन्यास लेकर गए। तो गुरुदेव शिक्षा देते हैं, गुरुदेव कह रहे थे उन्होंने, इसलिए हमारे महाराज भक्तवीर नारायण महाराज, उन्होंने भी किस समय में संन्यास लिया, उनको दो छोटे बच्चियाँ थी, कोई घर में है नहीं, पत्नी है, और उसी समय गुरुदेव 26 साल उम्र घर छोड़ के आए। और देखो सारा दुनिया में जिनकी जय जयकार, सारा दुनिया में जिनका ढिंडरा बिक रहा है, सारा दुनिया में जिनकी जय ध्वनि हो रही है, उन्होंने ऐसे भजन ऐसे भक्ति की, सारा दुनिया जिनकी पूजा कर रही है, सारा दुनिया में जिनकी जय जयकार हो रही है। क्योंकि बोले जगत में जितने कर्तव्य हम समझते हैं, सबसे जो श्रेष्ठ कर्तव्य भगवान की भक्ति है। अगर सही सही अगर प्रभु की भक्ति में कोई लग गया ना, इससे बड़े काम दुनिया में कुछ भी नहीं जगत में है। लेकिन कभी हमारा विश्वास नहीं कि हम ही पालने वाले हैं, हम नहीं खिलाएंगे तो कौन खिलेगा पिता माता को, उनको कौन देखने वाले, भैया हम भी कुछ ही नहीं करने वाले, करने वाले तो ठाकुर जी है, वही सब करने वाले, हम कुछ नहीं करने वाले, हमारा अभिमान है। जैसे जब गाड़ी चलती है ना बैलगाड़ी, उसको नीचे एक कुत्ता चलता है, वो कुत्ता क्या सोचता है जानते हो, वो मेरी वजह से ये गाड़ी चल रही है, मैं ये गाड़ी को चला रहा हूँ, लेकिन गाड़ी को तो खींच रहे कौन वे, लेकिन कुत्ता क्या सोचता है मैं गाड़ी चला रहा हूँ। कहते ठीक उसी तरह गाड़ी चलाने वाले कौन है, ठाकुर जी, लेकिन हमको अभिमान होता है करने वाले हम हैं, करने वाले हम। इसलिए प्रभुपाद कहते अनेक जन्म पर ये मनुष्य जन्म लाभ हो, बोले बड़े कष्ट से अनेक जन्मों के बाद में ये मानव शरीर तुमको मिला है, और ये जन्म सबसे दुर्लभ, शुद्ध दुर्लभ ना है सुदुर्लभ। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो मानव शरीर है, कहते सबसे दुर्लभ ये मानव शरीर है, कहते केवल दुर्लभ नहीं ये बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ ये मानव शरीर है। यह अनित्य हो ले परमार्थ पर, यद्यपि मानव शरीर अनित्य नश्वर है, कब खत्म हो जाएगा, इसलिए प्रभुपाद कहती जड़ गव शरीर है, ये शरीर किसी काम की नहीं, टाटी पेशाब खून से ये भरा पड़ा हुआ ये शरीर तुम्हारी, लेकिन है तो टाटी पेशाब का शरीर, लेकिन कहते इसी शरीर में परमार्थ भगवत भक्ति अर्थ को प्राप्त कर सकता है। यद्यपि नश्वर शरीर है, लेकिन ये नश्वर शरीर में क्या प्राप्त कर सकते हो, परमार्थ भगवान की भक्ति को इस जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहते जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बोले बुद्धिमान जिनी चतुर जिनी तिनी यही साधन साधन देवता थाकते थाकते अन्यान्य विषय कर्म सब छेड़ दिए क्षण मात्र विलंब ना करे चरम कल्याण लाभरे चेष्टा करवे। कर जगत में जो बुद्धिमान है, हैं जगत में जो चतुर, वो क्या करेंगे, तिनी साधन देहटा, क्योंकि इसी शरीर से साधन हो सकता है, और किस शरीर में साधन होगा नहीं है, साधन नहीं होगा। इसलिए कहते इस शरीर रहते रहते कहते दूसरा जो विषय कर्म है, हम जिसको अपना कर्म मानते ये करना चाहिए वो करनी चाहिए वो करना चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं ये सबको पीछे रख करके क्या करनी चाहिए, क्षण मात्र भी विलंब ना करे, एक क्षण भी विलंब नहीं करते हुए क्या करनी चाहिए, जो चरम कल्याण जो भगवत प्राप्ति, उसी के लिए जीवन को लगा देनी चाहिए, उसी के लिए जीवन को उसी के लिए लगा देनी चाहिए, जीवन को इधर उधर काम में नष्ट नहीं करनी चाहिए। हैं क्या करो, भगवान की भक्ति में ये जीवन को लगा दो। एक समय हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जो कहा करते थे, वो कहते थे हम ब्रह्मचार्य को बैठे हुए थे तो महाराज बोल रहे थे, बोले देखो अभी तुम लोगों का शरीर ठीक ठाक है, गुरुदेव कह रहे हैं अभी तुम्हारी शरीर ठीक ठाक है, लेकिन पता नहीं ये शरीर में कब बीमारी आ जाएगा। हाँ गुरुदेव कहते थे उनका पेट, याद गुरुदेव का 2-3 बार ऑपरेशन गुरुदेव का पेट हुआ, हार भी ऑपरेशन गुरुदेव ने लिया है, इसलिए वो कह रहे हैं अभी तुम्हारी शरीर भगवान चंगा रखा है, इसलिए जितना दूर हो सके इधर उधर मन को मत दिया कर, गुरुदेव कह रहे थे नहीं लगा करके एक लक्ष्य करके जितने दूर हो जाए गुरुदेव इस शरीर को प्रभु का भजन में लगा, भजन में लगा दो। जब ज़्यादा उम्र हो जाएगा, जब तुम्हारी आँख काम नहीं करेगा, कान काम नहीं करेगा, शरीर काम नहीं करेगा, कमर में बैठ नहीं पाओगी, तबीयत खराब हो जाएगा, उस समय तुम चाहने पर भी प्रभु का भजन नहीं कर सकते। ये बीमारी हो गया, ये बीमारी हो गया, ये बीमारी, तो भजन कब करोगे। इसलिए गुरुदेव कहते थे भैया जब तक ये शरीर एकदम बढ़िया है,
समय की इधर उधर नष्ट मत करो, नष्ट नहीं करके क्या करो कि जीवन को जितने रगड़ करके हो भगवान की सेवा, कृष्ण सेवा, गुरु सेवा और हरि नाम में भगवान की भजन में लगा दो। क्यों? ये शरीर तुमको दोबारा मिलने वाले नहीं, दोबारा मिलने वाले नहीं, इसलिए क्या करो जितने रगड़ करके हो सके समय को नष्ट नहीं करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं चरम कल्याण लाभ करते हले सद्गुरु पदाश्रय करते हवे। तो अगर इस जीवन में जीव का जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य जो भगवत प्रेम भगवत प्राप्ति अगर उसको पाना चाहते हो क्या करना पड़ेगा? तुमको पहले सद्गुरु का चरण में आश्रय लेना पड़ेगा, ठीक है ना? सद्गुरु चरणों का आश्रय लेकर के हरि की भक्ति करना पड़ेगा। रात भर सोते पर क्यों नहीं गया था? इतना रात में तो स्वयं पर क्यों नहीं गया? इसलिए इसलिए यहाँ पर कहते हैं हमें क्या करनी चाहिए, हमें सद्गुरु का चरण आश्रय लेकर के हमें भक्ति करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो मार्ग जो दिखाने वाले सद्गुरु ही मार्ग दिखाने वाले। इसलिए यहाँ पर कहते हैं किसका आश्रय लेनी, बोले सद्गुरु असद्गुरु नहीं, क्योंकि जगत में ऐसे बहुत सारे गुरु है। इसलिए कहता गुरु भव संति शिष्य बितब हारता, जगत में ऐसे गुरु है जो शिष्यों की संपत्ति को हड़प करने वाले, लेकिन दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संताप हरता। पार्वती जगत में ऐसे गुरु दुर्लभ है जो हमें सही मार्ग दिखाए, हमें सही मार्ग प्रभु की भक्ति की मार्ग दिखाए, प्रभु की प्रेम की मार्ग दिखाए। जगत में बहुत संप्रदाय हैं, कुछ ऐसे संप्रदाय जो भगवान भगवान से कोई मतलब नहीं है, कोई भक्ति से कोई मतलब नहीं है, उनका मतलब गुरु ही सब कुछ है, भगवान भगवान कुछ नहीं है। इसलिए कहते ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः, शास्त्र का ये श्लोक है। लेकिन ये श्लोक को ये लोग उल्टा उल्टा चीज में लगा देते हैं, उल्टा चीज में। कौन सा चीज में? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरु महेश्वर, इसलिए भगवान भगवान कोई जरूरत नहीं, बस गुरु ही ब्रह्म है भगवान, इसलिए भगवान की भक्ति। अब जय गुरुदेव का नाम सुने, उनका कितना बड़ा मंदिर देख लो, कोई जाओगे कोई भगवान भगवान कुछ नहीं, ठाकुर भागुर कुछ नहीं, गुरु ही सब कुछ है। नहीं, गुरु ब्रह्मा मतलब गुरु ब्रह्मा जी का काम करते हैं, ब्रह्मा का काम सृष्टि करना, हमारे हृदय में भक्ति रूपी बीज को बो करके भक्ति को ये सृष्टि करने वाले। गुरुदेव विष्णु, विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं। गुरुदेव हमें भक्ति को द्वारा पालन करते हैं, प्रेम को द्वारा हमें भजन की शिक्षा देकर भक्ति जगत में बढ़ाते हैं। महेश्वर, महेश्वर मतलब शंकर जैसे ध्वंस करते हैं, अगर कभी शिष्य गलत काम में अगर जाए गुरुदेव क्या करते हैं? उनको शासन करके गलत रास्ता में जाने नहीं देते, ये संहार का काम करते हैं। अगर गुरु ब्रह्मा विष्णु अगर हो गए फिर ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ जाएंगे? फिर ये सब कहाँ जाएंगे? इसलिए गुरु जी ये तीनों का काम करते हैं, ये तीनों का काम। इसलिए गुरु जी को ब्रह्मा विष्णु महेश को साथ में उदाहरण तुलना दिया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हमें क्या करनी चाहिए, सदगुरु की शरण आश्रय लेनी चाहिए। है सदगुरु मतलब उन्हें कहते हैं जो स्वयं प्रभु की सेवा में लगे हुए और उनकी शरण में जो आए हैं उनको भी प्रभु की सेवा में जो लगाए, खुद बन करके बैठ करके बस सब कुछ मेरे ही मेरा ही कर, भगवान भगवान कुछ नहीं, नहीं वो सदगुरु नहीं वो असदगुरु है वो असदगुरु है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमें अगर जीवन में चरम कल्याण अगर प्राप्त करना चाहते हैं सर्वप्रथम हमें गुरु जी की शरण की आश्रय लेनी चाहिए। सदगुरु अमर बहिर्मुख रुचिर अनुकूले कथा बोले ना। देखो सदगुरु का एक लक्षण बताए, बोले सदगुरु का क्या लक्षण है? बोले वो कभी भी हम जो चीज चाहते हैं वो चीज कभी गुरुदेव नहीं बताते हैं। साधारण जीव का क्या कहते हैं यहाँ पर, उनका रुचि किसी में बहिर्मुख रुचि है, उनका अंतर्मुख रुचि नहीं है, बहिर्मुख। संसार का विषय भोग करेंगे, जो इच्छा खाएंगे, प्याज लहसुन खाएंगे, चाय पियेंगे, बीड़ी फूकेंगे, मांस मछली खाएंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ ये बंगाल में ऐसे कुछ, बंगाल में ऐसे कुछ गुरु है, जानते हो क्या? आप लोगों को पता होगा, अरे दिन भर भजन करने का क्या जरूरत है, सोने से पहले एक बार ठाकुर का स्मरण करके सो गया। हाँ और बंगाल में कहें वो मछली सब खाते हैं, मांस मछली खाते हैं,
और गले में कंठी तिलक लगाते हैं, वो क्या बोलते हैं जानते हो? ये आत्मा चाह रहा है मांस खाने के लिए, इसको मना कैसे करोगे? ये तो आत्मा चाह रही ना, लेकिन ये दुष्ट मन चाह रहे ये चीज नहीं, कि तो आत्मा चाह रहे, आत्मा चाहता है मछली खाने के लिए, आत्मा को कैसे कष्ट दे? मैंने जगत में ऐसे कुछ गुरु, वो क्या करते हैं, वो ऐसे कुछ गुरु के पास में जाते हैं, क्यों? वो चाहते हैं हाँ प्रभु का नाम भी थोड़ी हो जाए और सब खान पे नाम चलते रहे। कहते भैया सदगुरु ये सब बात नहीं कहते, सदगुरु तो कहते हैं भैया पाप चीज को छोड़ो, पाप चीज को छोड़ो, चार नियम पालन करो। क्या चार नियम है? किसी तरह का नस्ली वस्तु मत लो, पान भीड़ सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब मत खाओ, हैं जुआ मत खेलो, अवैध रूप में स्त्री संग मत करो, बगैर शादी के स्त्रियों के साथ में गलत संबंध को कभी भी नहीं रखनी चाहिए। इसका दंड बड़ा परिणाम पंचम स्कंध में बताया, मरने का बाद लोहे की स्त्री जो एकदम लाल रंग की, उसको जोर जबरदस्ती आलिंगन कराते हैं। लड़की स्त्री स्त्री और स्त्री पुरुषों को वहां पर अगर कोई गलत काम अगर कोई किया होगा, बड़ा दंड उनको, बड़ा दंड बताया। इसलिए कभी भी अवैध रूप में स्त्रियों के साथ में कोई भी संबंध नहीं रखनी चाहिए। महाप्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं? गोपन नेत्र अत्याचार गोरा धरे चूरी। अगर कोई सोचे हमको कौन देख रहा है, भगवान थोड़ी देख रहे, बोले नहीं भैया महाप्रभु से कोई ठग नहीं सकते हो, वो अंदर में बैठ कर सारी चीज को तुम्हारी देख रहे हैं, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो चोरी सही समय पर तुम्हारी चोरी पकड़ लेंगे। हैं ऊपर थे तिलक माला, ऊपर में तिलक लगा लिया, कंठी लगा लिया, हैं कंठी तिलक, भैया कहते भैया लगाने से वरनी काम नहीं चलेगा। बोले गोरार आचार गोरार प्रचार लय ले फल फले, ये तिलक लगाने से काम नहीं चलेगा, महाप्रभु का जो आचरण है, हैं गोरार आचार गोरार प्रचार लय ले फल फले, जब उनका आदर सफल हो गया तभी तो फल होगा, ऊपर से तिलक कंठी बल्कि ज्यादा दंड मिलेगा। जैसे पुलिस अगर कोई गलती का, साधारण व्यक्ति कोई गलत काम करता है ना उसका साधारण दंड है, अगर कोई पुलिस से होकर गलत काम करता है उसका अगर पकड़ जाए इसको ज्यादा दंड मिलता है। अगर हम साधु बनकर के ऊपर से तिलक कंठी लगा लिया लेकिन अंदर अंदर इसमें कुछ उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं उसका दंड ज्यादा दंड है, उसकी ज्यादा दंड है। इसलिए भक्ति करने के लिए आए तो सचमुच से हृदय से भक्ति करनी चाहिए, ऊपर से दिखाने के लिए नहीं, हृदय से भजन करो। हैं क्योंकि हमने ये सब गलती चीज को छोड़ करके हम भजन करने के लिए आए, इसलिए कहते हैं कली का ये स्थान है, हैं ये कली, इसको करने से जीव कभी पवित्र नहीं रह सकते, वो अपवित्र रहता है, वो व्यक्ति कभी पवित्र हो ही नहीं सकता है। और किसी तरह की मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते सदगुरु अमर बहिर्मुख रुचिर अनुकूल कथा कभी भी नहीं बोलते हैं। जो सदगुरु है हमारी जो इंद्रियां जो बहिर्मुख विषय में गंदी चीज में चलता है सदगुरु कभी इसका प्रसर नहीं देते, वो सही बात बताते हैं। इसलिए हमारेर सबसे बड़ा कर्तव्य एकमात्र कर्तव्य नित्य कर्तव्य जे कृष्ण भजन सही भगवत भजन में कथा ही बोले। कहते सदगुरु हमें क्या बोलते हैं, हैं सदगुरु हमें क्या बोलते हैं? कहते हमारे सबसे बड़ा कर्तव्य के जगत में हमारी सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, जगत में हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? कहते कर्तव्य है नित्य कर्तव्य है कृष्ण भजन, भगवान की भजन, यही सबसे हमारी बड़ा कर्तव्य है। इसलिए सही भगवत भजन में कथा ही बोले। इसलिए जो सदगुरु होएंगे वो इधर उधर की बात नहीं बोलेंगे, नहीं बोल करके हमारा जो कर्तव्य जिसके लिए हमें जीवन मिला, किसके लिए जीवन मिला, आए थे हरि भजन को ओटना लगेगा पास, जो जीवन मिला प्रभु की भक्ति के लिए ही ठाकुर ने हमें जीवन दिया है, और किसी काम के लिए जन्म नहीं दिया है। अगर इसी जीवन में एक कर्तव्य सही कर लिया ना तुम्हारी जन्म मृत्यु दुख कष्ट चिरकाल के लिए खत्म, फिर चिरकाल के लिए कहाँ, अपना सही घर में चले जाओगे, अपना अपना असली घर में चले जाओगे, जहां जाने से जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, जहां जाने से एक बार जीव कभी वहां से पतन नहीं होता है, कभी वहां से वो जीव नहीं गिरता है, वो हमारी सही जगह है। लेकिन सही जगह में जाएंगे कैसे, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे भगवान की भजन करेंगे तभी वहां जा सकते हैं। इसलिए भगवत भजन की कथा ही बोले, वो भगवत भक्ति छोड़कर और कोई बात वो नहीं करते हैं। इसलिए जगत रे लोग
আমার রুচির অনুকূল কথা বলে আমাকে আকৃষ্ট করছে, আমার প্রিয় হতে যাচ্ছে, কিন্তু যিনি আমাকে এইভাবে হিংসা করতে চান না, সত্যি সত্যি আমার দুঃখের কাতর, আমার ব্যথিত ব্যথিত যিনি, সেই দর্দি পরম বান্ধবী গুরুদেব। লেকিন এই জগত জানতে হো কি, জগত বড়া উল্টা জগত হ্যাঁ। হম কিসকো সাথ মে বেঠনা চাহতে, কিসকো সাথ মে উঠনা চাহতে, কিসকো হম মিত্র বানানা চাহতে, উসকো মিত্র বানানা চাহতে জো হামারি মন কি অনুকূল বাত বলেগা। আরে আচ্ছি বাত, আরে শাস্ত্র পড়নে সে ক্যা হতা হ্যাঁ, ভজন করনে সে ক্যা হতা, এসব ক্যু বেকার, সব ভজন ভজন মে লগে হুয়ে হো হ্যাঁ, সব বেকার চিজ হে, জো হামারি মন কি অনুকূল বাত বলেগা না, ও হামারি আচ্ছে লগেগে, বলে ইয়ে সহি মেরা মিত্র হ্যাঁ, ये व्यक्ति सही मेरे मित्र है, ये मेरे मित्र का काम कर रहा है, क्योंकि मेरे मन की हम जो चाहते हैं ना वो, अब देखना उसको ही साथ में मित्रता करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारे जो असली जो कल्याण करने वाले सदगुरु है ना, उनकी बात बोले इन्हीं जानवर डांट लगाते रहते हैं, ये करो ये करो ये नहीं करो ये नहीं, सब दिन भर बोलते रहते भैया बेकार है, तो बेकार है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जगत लोग हमारे अनुकूल कथा बोल के हम आकृष्ट करते हैं, क्या करते हैं साधारण लोग हमारी मन की बात बोल करके ना, अरे मांस मछली खाने से क्या होता है हैं, शरीर को अच्छे रखना चाहते हो बढ़िया रखना खाओ ना पियो ना, अरे चाय पीने से क्या हो जाता है ना, इसे तो शरीर गर्म करता है, इसलिए खूब पियो। इसलिए हमारी अनुकूल की जो बात बोलेगा ना, बोलेंगे ये तो हमारे सही मित्र है, क्योंकि हम जो चाहते हैं ये बात, लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि ये सबसे बड़ा तुम्हारी ये शत्रु, तुमको पता नहीं चल रहा है, तुम्हारे जीवन का सर्वनाश, ये सर्वनाश कर रहा है। इसलिए हमारे प्रिय होते चाचे, वो क्या चाह रहे हैं, वो हमारी प्रिय बनना चाह रहे हैं, इस बात को बोल कर गई, किंतु जिन्हें आमा की यही भावे हिंसा करते चाहना, किंतु सदगुरु क्या चाहते हैं, हमें हिंसा करना नहीं चाहते हैं, ये सब मन की अनुकूल बात बोल करके हमें हिंसा करना नहीं चाहते हैं। सत्य सत्य हमारे दुखेर कातर, सचमुच से वही हमारी दुख दर्द को वही समझते हैं, संसार का दुख का कारण यही है, हमने प्रभु की भक्ति छोड़ करके हमारे मन जो चाहता है उसका दासत्व कर रहे हैं, इसीलिए सारे दुख का कारण। इसलिए क्या करो, ये चीज को छोड़ करके अमर व्याथाए व्यथित जिनी सही दर्द परम बांधवी गुरुदेव। सही गुरुदेव कौन है, हमारे दर्द को जो समझते हैं, हमारे दुख को जो समझते हैं, समझ करके क्या करते हैं, भगवान की भक्ति के उपदेश दे करके हमें जो ठाकुर जी के चरण तक लेकर के परम सुख परम आनंद देना चाहते हैं, कौन है, कहते हैं सदगुरु, ये सदगुरु है। श्रीमद् भागवत ए रूप मुक्त गुरुदेव काछे शरणागत होते उपदेश बिचेन। इसलिए भागवत क्या उपदेश देता है, ऐसे जो सदगुरु हर समय हमें भगवत भक्ति में की रास्ता दिखाए, प्रभु की भक्ति के मार्ग पर जो चलाए, ऐसे जो सदगुरु है उनको आश्रय हमें ग्रहण करने चाहिए हैं, ऐसे व्यक्ति का आश्रय हो। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे, बोले देखो वैष्णव के अनुगत्य में, सदगुरु के अनुगत्य में भजन करो, क्योंकि हमारा जो मन है ना, जो मन है किसी समय भी ये बह करके माया में जा सकती है, कभी भी ये मन हमारी माया में ये चली जा सकती है। इसलिए जब तक, इसलिए कहते हैं दो तरह का पेड़ होता है, एक पेड़ तो होता है जो छोटा पेड़, जैसे तुलसी लगाया ना, इसमें रोज रोज पानी देते हो तभी पेड़ हरा भरा है, लेकिन जो कुछ पेड़ होता है बहुत बड़ा पेड़ हो गया, पानी देते थे तो बड़ी हो गया, अब देखो अपनी आप नीचे से पानी को अपनी आप ले लेते हैं, वहाँ पानी देने का जरूरत नहीं, वो पानी अपनी आप खींच लेती है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे, बोले देखो जब तक तुम अपना साधन भजन में थोड़ा परिपक्व नहीं हो जाओ ना, तब तक वैष्णव का अनुगत में रह करके भजन, भगवान की भक्ति करो, भजन करनी चाहिए हैं, भक्ति करनी चाहिए। इसलिए शरण गुरुदेव का शरणागत होते उपदेश दिए दिए छे, आमार जा किछु आचे सब छेड़े गुरुपाद पद में एकांत भावे आश्रय नीत बोल छे। एजने भागवत की बोल छे, भागवत बोल छे गुरुदेव के पास में शरणागत होकर के हमारी जीवन में जो कुछ है किसकी चरण में दे दो, संपूर्ण रूप में गुरु जी की चरण में सब कुछ दे दो। इसलिए गुरुदेव के पास में कोई चीज को छुपा करके मत रखना, कोई चीज को छुपा करके नहीं रखना। हमारे भक्ति पिता नारायण गोसाई महाराज बोल रहे थे, वो कह रहे थे मैं जब घर छोड़ करके आया, पत्नी भी छोड़ करके आया, बच्चों को भी छोड़ करके आया, मैंने सब छोड़ करके आया भजन करने के लिए, भजन के लिए आया, यद्यपि वो हमारी शिक्षा के लिए बोल रहे हो तो मुक्त पुरुष है, एक बार बोल रहे थे उनका मन किसी कारण से कोई गलत काम में गया, जो गया
तो उनने सीधा जाकर गुरु जी को ये बात बोली, तो बोले गुरुदेव मैं अपना पत्नी छोड़ा, बच्चा छोड़ा, सब छोड़ करके मंदिर में भजने के लिए आया, फिर ये मन फिर गलती चीज में क्यों जा रहे हैं, हम तो छोड़ करके सब चीज आए हैं, फिर भगवान की भक्ति कैसे करेंगे। तब तो महाराज कह रहे हैं गुरुदेव मेरे को इतना आशीर्वाद दिया ना, बोले ये बात सहज में कोई गुरु जी के पास में बोल नहीं सकता, ये अंदर मान ये भगंदर है, जैसे रोग होता है ना भगंदर रोग, गुरुदेव कह रहे थे अगर ये भगंदर को छुपा कर रखोगे ना फिर तो सारा शरीर को ही गला देगा। हाँ बोल रहे थे गुरुदेव इतने मेरे ऊपर कृपा की, इतने आशीर्वाद की, बोले गुरु जी के पास में ये बात भी तुमने बोल दिया, ये बात को सब अंदर में छुपा छुपा कर रखते हैं गुरुदेव कहते हैं, और एक दिन वो भगंदर बन करके निकलता है और उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है, इसको भक्ति चुत्त का कारण वो बन जाता है, लेकिन तुमने बोल दिया। कहते गुरुदेव मेरे को इतना आशीर्वाद दिया, कहते उसी दिन से मेरा मन एकदम सही हो गया, गुरुदेव मेरे कृपा किया ना गुरुदेव। इसलिए यहाँ पर कहते हैं गुरु जी के पास में कोई चीज भी हमें छुपा करके नहीं रखनी चाहिए, कोई भी बात हो हमें बोलनी चाहिए, हैं बोलनी चाहिए, किसी बात को अंदर में छुपा करके नहीं रखो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं गुरु जी के चरण में एकांत रूप में आश्रय गुरु जी के चरण में लेनी चाहिए, हम बाहर जैसे और भीतर एक हो। इसलिए भगवान कहते ना छल कपट मोह छिद्र नहीं भावा, हैं भगवान कहते मेरे कपट छल छिद्र ये मेरे को शोभा नहीं देता है, भगवान कहते जो सरल व्यक्ति है, हैं जो सरल व्यक्ति है वो मेरे को बड़ा प्यारा है। इसलिए भगवान बंसुरी क्यों बजाते हैं, अंदर में एक पोला है, उसका अंदर में पोला, वो जैसे चाहते ना बंसुरी वैसे बजती है, भगवान जैसे चाहते बंसुरी वैसे बजती। इसलिए हमें कैसे होनी चाहिए ठाकुर जी के चरण में गुरु जी के पास में, हृदय एकदम पोला हृदय होनी चाहिए, हृदय में हमारी कोई चीज अंदर बाहर सम व्यवहार अमानी मानव भक्ति मनो ठाकुर कहते हैं हम ऊपर जैसे दिख रहे हैं हमें बाहर भी वैसे, अंदर में जैसे ऊपर जैसे दिख रहे अंदर में हमें ऐसे होनी चाहिए, फिर तो हमारी कल्याण हो सकती है। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोल गिरिराज महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरि बोल 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 हरि बोल। सबेर का तरह कीर्तन कर।